क्या हुआ होगा, इन्होंने इस लड़की की मदद क्यों नहीं की? और अगर ये इस लड़की की मदद नहीं करना चाहते थे तो इसे टेकड़ी पर क्यों बुलाया? सुमन, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सा, लेकिन अगर इस दर्द के बदले तनी को खाना मिलता है ना, तो इससे मुझे कोई शिकायत नहीं। आई आई आज मैंने मंदिर के बाहर कुछ फूल बेचे, देख इतनी कमाई हुई है बाबा। मतलब अबे मेरे 15 रुपए, तेरे आई के 12 और तेरे ये 10, ये 2 और ये 1, ये तो 40 हुए। आई एक दिन में 40 रुपए। चल मैं जाके बाजार से कुछ खरीद के आती। वैसे तनी कहाँ है? तनी क्या वो घर नहीं आई? मुझे तो लगा था शायद कनका काकी के घर गई होगी संत्या के साथ खेलने के लिए। ताई 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 अवलती तनी कहाँ है? मैं उसके लिए खिलौना बना के लाया था। तनी तुम्हारे साथ नहीं थी? नहीं। तू क्या कारनामा काय झालं? तेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। मुसीबत? तेरी तनी को मालिक के आदमी लोग पकड़ के लेके गए, उसे चोरी करते हुए पकड़ा है, उसे गांव देवी वाली मंदिर लेके गए फैसला करने के लिए। तुम लोग ये जरूर जानना चाहोगे कि आज की ये पंचायत क्यों बुलाई गई है, तो सुनो, ये लड़की फूल चुराने के लिए मालिक के बाग में घुसी और जाते वक्त बाग का फाटक खुला छोड़ गई। इस वजह से जंगल में चरने वाले गाय बैल भेड़ बकरियां सारे बाग में घुसे और उन्होंने सारे बाग को तहस नहस कर दिया। तो गांव वालों, ये मामला बहुत ही संगीन है, इतना संगीन है कि इस लड़की का फैसला करने के लिए खुद मालिक पंचायत में चले आ रहे हैं। पंचायत अपना फैसला सुनाएगी। मेरी पंच परमेश्वर से यह विनती है कि इस लड़की के मासूम चेहरे पर मत जाइएगा। यह लड़की जितने जमीन के ऊपर है उतने ही जमीन के नीचे है। इसने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है, इसलिए इसे
सजा तो मिलनी चाहिए। सारी बातों पे गौर करने के बाद और ठाकुर साहब के बाग का मुआयना करने के बाद पंचायत इस लड़की को दोषी ठहराती है। और इसकी सजा यह है कि इस लड़की के पूरे परिवार को ठाकुर साहब को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी पूरे 2000 रुपए। साथ हमारी ही नई जिंदगी सब कुछ एक सपना जैसा लगता है। ये खुशी हमने ही तुम्हें दी है इच्छा। ठाकुराइन बनने का हक उत्तरण में नहीं मिलता। वीर हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। उत्तरण इस हफ्ते सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ कलर्स के प्रायोजक हैं पेना अल्ट्रा, एयरटेल डिजिटल टीवी और कोलगेट डेंटल क्रीम। मम्मा तुम्हारे इतने लंबे बाल थे तो मेरे बाल लंबे क्यों नहीं? लंबे बाल रखना मुश्किल है। नानी तो हर रोज मेरे बालों के लिए कितना कुछ करती थी। ऑफिस नहीं जाती।